तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, फाइनली आज हम आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं 2023 मॉडल TVS Apache RTR 162V का टॉप मॉडल, जो कि मेरे पास इसका टी ग्रे कलर में, जो कि काफी प्यारा कलर है। तो अगर आप लोग भी टी ग्रे कलर का वेट कर रहे थे, तो फाइनली अब आप लोग का वेट करना खत्म हुआ, क्योंकि जो टी ग्रे कलर आती है ना, काफी लोगों को पसंद आती है, काफी ज्यादा लोगों को फेवरेट बाइक है। क्योंकि आपको बता दें कि यही एक कलर है जिसमें आपको ग्लॉस फिनिश के साथ नहीं आती है बाइक, ये काफी मतलब लाइट कलर के साथ आती है, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। तो अगर आप लोग को टी ग्रे कलर की बाइक पसंद है, तो आई एम सॉरी, ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छी लगने वाली है। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि 2023 मॉडल TVS Apache RTR 162V में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, और साथ ही साथ इस बाइक की जो प्राइस है ना 2023 में बढ़ा दी गई, तो हम आपको इसके एक्सम प्राइस के साथ इसकी ऑनर प्राइस बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी TVS Apache RTR 162V के टॉप मॉडल के टी ग्रे कलर का वेट कर रहे थे और आप लोग इस बाइक को लेने वाले, तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बीइंग टेक्नो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और चैनल पे आप नए, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि आप आगे की वीडियो को मिस न कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस बाइक के ओवरऑल लुक के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे, तो ये जो कलर निकल के आती है ना, ये आपको ग्रे कलर में मिलती है, जो कि काफी प्यारा कलर लगता है देखने में। और यहाँ पे आप लोग गौर कर सकते हैं कि इसमें आप जो ग्राफिक्स मिलते हैं ना, रेसिंग वाली ग्राफिक्स मिलती है, और यहाँ पे देखिए ब्लैक एंड येलो कलर में काफी अच्छी ग्राफिक्स मिलती है। तो ये जो ग्रे एंड येलो कलर का जो कॉम्बिनेशन है, ये इसके लुक को और ज्यादा एनहांस करती है। तो आप लोगों को टी ग्रे कलर का जो कलर है ना, आप लोगों को कैसी लग रही है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ये कलर काफी अच्छी लग रही है। आप लोगों को ये जो नया कलर है ना, एक जो नई ग्राफिक मिल रही है, ये आप लोगों को कैसी लग रही है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं इस बाइक के एक्सम प्राइस के बारे में, इसके ऑनरोड प्राइस के बारे में, कि इस समय इसकी एक्सम प्राइस क्या निकल के आ रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस बाइक के एक्सम प्राइस के बारे में, तो इस समय इसका जो एक्सम प्राइस निकल के आ रहा है 2023 में, वो निकल के आ रही है 1,27,590 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। तो दोस्तों, गौर करिएगा, ये जो मैंने आपको प्राइस बताया, इसके टॉप मॉडल की प्राइस बताई है, और इसका जो ऑनरोड प्राइस निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 1,42,000 से 1,47,000 के बीच में। आपको ये बाइक आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगी, 2023 मॉडल TVS Apache RTR 162V का टॉप मॉडल। तो दोस्तों, ये तो इस बाइक के प्राइस की बात, अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके फीचर स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल से, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर कर सकते हैं, तो इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है ना, वो भी बिल्कुल नया देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसका जो साइड इंडिकेटर देखने को मिलता है ना, आपको 4V वाला साइड इंडिकेटर मिलता है, जो कि काफी स्पोर्टी लगता है देखने में पहले के मुकाबले में। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके हेडलैम्प के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको नया LED DRL मिलता है आई शेप में, जो कि काफी आई कैचिंग लगता है देखने में। और यहाँ पे अगर आप लोग गौर कर सकते हैं, तो इसका जो हेडलैम्प मिलेगा आपको LED हेडलैम्प देखने को मिलती है 2023 मॉडल में। तो दोस्तों, इसका जो हेडलैम्प है ना, पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। तो अब इसमें आपको जो रोशनी मिलेगी, जो विजिबिलिटी मिलेगी, पहले के मुकाबले में काफी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। तो आप लोग को जो नया लुक है ना, ये आप लोग को जो नया DRL मिलता है, नया हेडलैम्प मिलता है, ये आप लोग को कैसी लग रही है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट फेंडर मिलेगा, वो भी आपको ग्रे कलर मिलती है। और यहाँ पे देखिए, ग्रे एंड येलो कलर में आपको काफी अच्छी ग्राफिक्स मिलती है, जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से, फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, तो इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा, वॉक मिलता है, टेलीस्कोपिक विद हाइड्रोलिक डंपर सस्पेंशन मिल जाता है, जिसमें आपको 105mm का स्टॉक देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, ये जो बाइक है ना, आपको काफी अच्छी स्मूथनेस देखने को दे देती है, क्योंकि इसकी जो सस्पेंशन क्वालिटी है, काफी अच्छी देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखिए, इसमें आपको सुपर मोटो ABS की बैचिंग मिल जाती है, जो कि आपको पहले भी देखने को मिलती थी। और यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे, तो इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा, वॉक मिलता है, डुअल पिस्टन कैलिपर का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिलता है, जिसकी साइज है 270mm का, जिसमें आप देख सकते हैं ABS का चैन लगाया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें आपको सिंगल चैनल पहले भी देखने को मिलती थी, अभी भी आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे, तो इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा, वॉक मिलता है, 90/90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल रही है, जो कि आपको ट्यूबलेस टायर जो मिलती है ना, आपको MRF के टायर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, ये तो इस बाइक के फ्रंट सेक्शन की बात, अब थोड़ी सी बात करते हैं इस बाइक के साइड प्रोफाइल के बारे में, साइड से लुक के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग गौर कर सकते हैं, ये जो टी ग्रे कलर है, काफी आई कैचिंग लगता है देखने में, काफी प्यारा लगता है देखने में। तो अगर आप लोग को मैट कलर की बाइक पसंद है, आप लोग ग्रे कलर के लवर हैं, तो आई एम सोर, ये कलर आपको काफी अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग को इस बाइक का जो साइड प्रोफाइल है, इसका जो साइड से लुक है, आप लोग को कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम बात करते हैं इसके हैंडल बार के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, तो लेफ्ट हैंडल बार पे आप देख सकते हैं, इसमें आपको पासिंग स्विच मिल जाता है, साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, हॉर्न स्विच देखने को मिलती है। और यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे, तो इसमें आपको इन्फो स्विच देखने को मिल रही है, क्योंकि ये इसका सबसे टॉप मॉडल है, जिसमें आपको स्मार्टफोन कनेक्शन सिस्टम देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आप लोग गौर सकते हैं, राइट हैंडल बार पे आप देखेंगे, तो इंजन कूलर स्विच मिल जाता है, इसमें आपको राइडिंग मोड स्विच मिल जाता है, नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो पहले इसमें आपको जो मीटर कंसोल मिलता था 2021 में 2022 में, वो आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलती थी, लेकिन 2023 मॉडल में आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलती है, जो कि आपको 4V वाला मीटर कंसोल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए, इसमें आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर मिल जाता है, एवरेज स्पीड इंडिकेटर मिल जाता है, अर्बन मोड, रेन मोड, स्पोर्ट मोड देखने को मिल जाती है, इसमें आपको टाइम, स्पोर्ट मोड, और यहाँ पे देखिए RPM इंडिकेटर,
ट्रिप है, ट्रिप भी देखने मिल जाती है, क्लॉक देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो इसमें आप देख सकते हैं ब्लूटूथ का सिंबल ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि ये स्मार्टफोन कनेक्शन सिस्टम मॉडल है, ये इसका सबसे टॉप मॉडल है। तो इसमें आप अपने फोन को, स्मार्टफोन को इसके मीटर कंसोल से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद इसमें आपको मिल जाएगा स्मार्टफोन कनेक्शन सिस्टम को कनेक्ट करने के बाद इसमें आपको कॉल SMS अलर्ट सिस्टम मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके हैंडलिंग के बारे में तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो इसमें आपको RTR 160 की बैचिंग मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में। तो दोस्तों इसका जो हैंडलिंग पोर्शन मिलती है वही सेम आपको पहले वाली मिलती है। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे इसका जो फ्यूल टैंक मिलता है आपको ग्रे कलर मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेसिंग सिंस 1982 की बैचिंग देखने को मिल रही है। और ये जो ग्राफिक्स मिलती है ना ग्रे एंड येलो कलर में, जो कि इसके लुक को और ज्यादा एनहेंस करती है। और अगर हम बात करते हैं इसके साइड लुक के बारे में तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फ्यूल टैंक का काउल देख सकते हैं ब्लैक कलर में, आपको हॉर्स का 3D एम्बर लोगो मिल जाती है, नई ग्राफिक्स मिलती है। इसका जो फ्यूल टैंक का काउल है पहले से ज्यादा मस्कुलर हो चुका है। और यहाँ पे देखिए RTFI की बैचिंग देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में तो इसमें आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी पहले भी मिलती थी, अभी भी आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इस बाइक का जो साइड से लुक है, जो नई ग्राफिक्स मिल रही है येलो कलर के साथ, वो आप लोगों को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, क्योंकि अब इसका जो पावर है ना पहले से थोड़ा सा इंप्रूव हो चुका है। तो इसका जो इंजन कैपेसिटी मिलेगी वॉक मिलती है 159.7 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 इंजन देखने को मिल रही है। और इसका जो मैक्स पावर मिलेगा वॉक मिलता है 15.31 bhp का 8400 rpm। इसका जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वॉक मिलता है 13.9 Nm का 7000 rpm पे। इसमें आपको जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम मिलती है वो आपको RTFI सिस्टम मिल जाती है, जो कि आपको है रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अब इसका जो इंजन है ना पहले से और ज्यादा स्मूथ हो चुका है। और यहाँ पे देखिए इसका जो इंजन गार्ड मिलता है ना वो भी आपको डुअल टोन में थोड़ा सा मस्कुलर हो चुका है पहले के मुकाबले में। और इसमें आप देख सकते हैं TVS रेसिंग की बैचिंग मिल जाती है, इसमें भी आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के इंजन की बात, अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके साइड काउल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए साइड काउल पे देख सकते हैं पहले की तरह अपाचे की बैचिंग देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसके सीटिंग कंफर्ट के बारे में, इसके राइडिंग क्वालिटी के बारे में, तो दोस्तों इसका जो राइडिंग क्वालिटी है पहले से ही काफी अच्छा मिलता था। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो इसका जो सीट कंफर्ट है ना पहले से और ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। तो अब इसमें आपको जो राइडिंग कंफर्ट मिलेगी, जो सीटिंग कंफर्ट मिलती है, पहले से काफी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में आपको स्प्लिट पिलियन गैप मिल जाती है पहले वाला, जो कि इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं इसके पिलियन से तो यहाँ पे देखिए इसमें आप देख सकते हैं काफी अच्छे ग्राफिक के साथ RTR 160 की बैचिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको पिलियन फुटेज मिल जाता है, इसमें आपको लेडी फुटेज लगाने की जगह देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस बाइक में आपकी जो घर की लेडीज है ना वो भी कंफर्टेबली राइड कर सकती है। और अगर हम बात करते हैं इस बाइक के रियर प्रोफाइल के बारे में, इसके रियर सेक्शन से, तो यहाँ पे आप लोग गौर कर सकते हैं इसका जो रियर से लुक है ना वो भी बिल्कुल नया और फ्रेश देखने को मिलती है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए टेल लैंप के जस्ट ऊपर देखिए तो काफी अच्छी ग्राफिक्स मिलती है, जो कि येलो और ग्रे कलर मिलती है। और यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे तो इसका जो टेल लैंप मिलता है ना आपको LED टेल लाइट मिलती है, जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। तो आप लोग को जो नया टेल लाइट मिल रही है आप लोगों को कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे साइड से तो यहाँ पे देखिए इस साइड में देख सकते हैं काफी अच्छे ग्राफिक के साथ RTR 160 की बैचिंग देखने को मिल रही है। और अब बात करते हैं इस बाइक के रियर सेक्शन से, इसके रियर सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो इसका जो रियर सस्पेंशन मिलेगा वॉक मिलता है मोनो ट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक सस्पेंशन मिलता है, जो कि आपको स्प्रिंग एडेड सस्पेंशन मिलती है, जो कि आपको मिड सस्पेंशन देखने को मिल रही है। तो दोस्तों जो सस्पेंशन क्वालिटी है ना काफी बेहतरीन देखने मिलती है। और यहाँ पे देखिए ये इसका टॉप मॉडल है, तो इसमें आपको रियर में भी आपको डुअल पिस्टन का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिल रही है, जिसकी साइज है 200 mm का। तो इसमें आपको ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी काफी अच्छी देखने मिलती है। और यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो इसका जो रियर टायर मिलेगा वॉक मिलता है 110/80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल रही है अलाविल के साथ। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के रियर सेक्शन की बात, अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट साउंड के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग गौर कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसके एग्जॉस्ट का साउंड सुना देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने इसके एग्जॉस्ट का साउंड सुन लिया है, तो आप लोग को इसके एग्जॉस्ट का साउंड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं इस बाइक के डायमेंशन के बारे में, तो इसका जो लेंथ मिलेगा वॉक मिलता है 2085 mm का, इसकी जो हाइट मिलेगी वॉक मिलती है 1105 mm का, इसका जो व्हील बेस मिलेगा वॉक मिलता है 1300 mm का, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी वॉक मिलती है 180 mm का, इसका जो सीट हाइट मिलेगी वॉक मिलती है 790 mm, इसका जो कार्बेट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 140 kg की बाइक देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशन, जो कि मैंने आपको बता दिए है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इस बाइक के माइलेज के बारे में, तो दोस्तों TVS Apache RTR 162V का जो माइलेज निकल के आया है वो निकल के आता है 40 से 45 का माइलेज, ये बाइक आपको आराम से देखने को दे देती है। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये जो टी ग्रे कलर है इसकी वीडियो अच्छी लगी, ये बाइक अच्छी लगी, ये कलर अच्छा लगा तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई सवाल करना है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आप लोग को हमसे डायरेक्ट बात करना है, हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो राइट साइड में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो होगी, वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ के हेलमेट का यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।